मैनपुरी के करहल में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सपा के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकने की घटना पर कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं और कार्यवाही भी हुई है। उनके खिलाफ ये राजनीति भी नहीं होना चाहिए जो हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ही हो रहा है। बरेली में नोभे किसानों पर हुई FIR पर कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है। जब सड़कों पर सांड घूम रहे हैं तो विरोध तो होगा ही और विपक्ष का काम है उनकी आंखें खोलना। ये सरकार लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन अपनी मांग रखना उसको खत्म करना चाहती है, उसको ये सरकार पूरी तरह खत्म करना चाहती है। शिवपाल सिंह कहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और कहाँ की पार्टी का भी निर्णय होगा, उसका हम स्वीकार करेंगे कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव ही चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच जो बयानबाजी हो रही है तो उसमें इंडिया गठबंधन में गुटबाजी देखने को मिल रही है। इस पर कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एक है और एक होकर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा। इंडिया गठबंधन में PM चेहरा कौन होगा इसको लेकर कहा, बहुत लोग हैं, इसकी चिंता आप मत कीजिए। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर कहा कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे तो कन्नौज और आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के दिए बयान अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है पर कहा, वो ऐसे ही बयान देते रहते हैं। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बोला था कि उनको गुजरात भेज देंगे, वह ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं कब क्या बोल दे और कब कहां चले जाए। इंडिया गठबंधन में BSP को शामिल न किए जाने पर कहा कि वह पहले भाजपा से दूरी बनाए, वह अभी भाजपा से दूरियां बना नहीं पा रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के लोगों के साथ जब ये करेंगे तो फिर उनको मिल गया है, कार्रवाई तो में हो गई उनके खिलाफ। देखिए ये राजनीति में नहीं होना चाहिए जो हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के सारे पे हो रहा। अच्छा, बरेली में 90 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हो गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका था, वो आवारा अंदर जानकर। देखिए लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, जब सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं, सांड घूम रहे हैं तो विरोध तो होगा, विपक्ष का काम ही है उनकी आंखें खोलना, विरोध करना। तो ये सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र में जो अधिकार है धरना प्रदर्शन अपनी मांग रखना उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, फिरोजाबाद में जो सम्मेलन हुआ उसमें आपने अक्षय यादव के नाम की चर्चा की जबकि वोट काफ़ी आपको मिले थे, आप कहाँ से चुनाव लड़े? अब ये तो पार्टी का निर्णय होगा, मैंने कहा कि पार्टी का आदेश को हम स्वीकार करेंगे। वैसे फिरोजाबाद से नहीं, फिरोजाबाद से तो अच्छा ही लड़ेंगे। अच्छा ही लड़ेंगे, तो आप कहाँ? आजमगढ़। अभी हमारा 27 तक MLA हैं और जो खेत पार्टी का आदेश होगा, लोकसभा चुनाव तो 24 में, अब पार्टी का जो आदेश पार्टी फैसला करेगी, लड़ना है न लड़ना है। अच्छा, ममता बनर्जी ने जो मौलाना को एक विशाल मीटिंग की है जिसमें कि अधीर रंजन चौधरी और उन्हें घमासान मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया जो गठबंधन आपका बना है तो मैं आपसे ही कहीं गुटबाजी देखने को मिलेगी? कोई गुटबाजी नहीं है, इंडिया मजबूती के साथ एक है और एक होकर के चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन की तरफ से PM चेहरा कौन होगा? बहुत लोग हैं, इसकी चिंता मत आप करिए, बहुत लोग हैं। या सीटों के हिसाब से डिसाइड होगा जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी? अब वो तो फैसला जब गठबंधन बनेगा तो गठबंधन ही करेगा, हम थोड़े करेंगे या हम राय दे सकते हैं, और राय देंगे तो उनको देंगे अपने नेताओं। अखिलेश जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ से भी चाहेंगे लड़ सकते हैं, कन्नौज की ज़्यादा चर्चा हो रही है, वैसे तो कन्नौज से भी लड़ सकते हैं, आजमगढ़ से भी लड़ सकते हैं, कन्नौज की चर्चा ज़्यादा हो रही है, अब जहाँ से भी उनकी इच्छा होगी लड़ें।
ओम प्रकाश राजवल ने कल एक बयान दिया है कि अहीरों की बुद्धि तो 12 बजे खुलती है, इसको लेकर क्या है? कल तक आपकी पार्टी में रही कौन? भाजपा से आने के बाद ओम प्रकाश राजवल, कल उन्होंने एक फिर बयान दे दिया है भाजपा में जाने के बाद। वो ऐसे बयान देते हैं, कुछ दिन पहले तो बहुत पहले उन्होंने कहा था कि मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को कहा था कि हम गुजरात भेज देंगे, अमित शाह को कहा था कि हम गुजरात भेज देंगे, उनका तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। अभी कोई ये तय नहीं हो सकता, 24 से पहले आपकी तरफ भी आ सकते हो, उनका कोई ठिकाना नहीं कब क्या बोल दें और कब कहाँ चले जाएं। अच्छा, के अंदर आपके गठबंधन में बीएसपी का कहीं वो नहीं दिखा, क्या बीएसपी को अगर कहीं जगह मिलती है तो? अब वो तो भारतीय जनता पार्टी से पहले तो दूरियां बनाए वो भारतीय जनता पार्टी से अब दूरियां बना नहीं पा रही इसीलिए इधर एंट्री नहीं है। चलिए ठीक है।